नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी टीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सरम सर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। गणपत साय महाविद्यालय में वितरित हुआ टैबलेट, आइए देखते हैं संजय तिवारी की खास रिपोर्ट। सुल्तानपुर में गणपत साय महाविद्यालय में वितरित हुआ टैबलेट। स्थानीय गणपत साय पीजी कॉलेज सुल्तानपुर में आज 17 मई 2022 को एमए एमएससी एमकॉम उत्तरार्ध फाइनल के सभी छात्र छात्राओं के लिए टैबलेट वितरण समारोह आयोजित किया गया। समारोह की मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर आरी वर्मा जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सुल्तानपुर रहे। बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर वर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस योजना के अंतर्गत सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी छात्र छात्राओं तक इसका लाभ पहुँचाया है। अब छात्रों की जिम्मेदारी है कि इसका सदुपयोग करते हुए अपनी तकनीकी दक्षता का विकास करें, अपना और राष्ट्र का उन्नयन करें तथा समारोह की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय प्रबंधक ओम प्रकाश पांडे बजरंगी ने योगी सरकार की टैबलेट योजना का लाभ पाए हुए सभी छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य शुभकामना देते हुए कहा कि आप जिस भी क्षेत्र में जाएं वहां अपना अपने परिवार कॉलेज राष्ट्र का नाम रोशन करें। प्राचार्य डॉक्टर जयेश नाथ मिश्रा ने आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की अग्रिम बधाई दी। इस टैबलेट वितरण समारोह में प्राय स्नातक के कुल 1500 छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय शासन द्वारा चयनित किए गए थे जिन्हें टैबलेट वितरित किया गया। प्राचार्य डॉक्टर मिश्र ने नोडल अधिकारी डॉक्टर शक्ति सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर प्रातः 8 बजे से ही टैबलेट वितरण कार्य प्रारंभ किया गया। टीम में मुख्य रूप से डॉक्टर राजीव कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर वी के तिवारी, डॉक्टर शहनवाज आलम, डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, डॉक्टर अजय कुमार मिश्र, डॉक्टर रवि शुक्ला, डॉक्टर कुमार दिनकर प्रताप सिंह इत्यादि रहे। समारोह का संचालन डॉक्टर मोहम्मद शमीम ने किया। आए हुए अतिथियों का धन्यवाद व आभार नोडल अधिकारी डॉक्टर शक्ति सिंह ने किया। समारोह व टैबलेट वितरण में डॉक्टर नीलम तिवारी, डॉक्टर जेबा महमूद, डॉक्टर गीता त्रिपाठी, डॉक्टर दीपा सिंह, डॉक्टर देवेंद्र मिश्र, डॉक्टर सुभाष, डॉक्टर विनय मिश्रा, डॉक्टर शिवा कांत त्रिपाठी, डॉक्टर एसपी मिश्रा, आशुतोष श्रीवास्तव, राजकुमार पांडे, सुभाष मिश्र, नंदलाल विश्वकर्मा और भी कई अन्य लोगों का सहयोग रहा।